गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटे आज हमारा टॉपिक है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए जो फॉर्म निकलता है आपका 2021-22 सेशन में जो फॉर्म निकलेगा वो निकलने वाला है बेटे, क्लियर। तो आज उसके बारे में देखेंगे कब निकलेगा फॉर्म एंड उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। अब तक आपका फॉर्म निकल चुका होता है बट कोविड-19 की वजह से आपका फॉर्म डिले हो गया, क्लियर। तो बेटे बट सैनिक स्कूल अपनी वेबसाइट पे अपडेट डाल दिया है कि सैनिक स्कूल का फॉर्म जल्द से जल्द उपलब्ध होगा, क्लियर। उसके बारे में देखते हैं एंड उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो भी देखते हैं। एंड फॉर्म भरवाने के लिए अगर आप हमारे से फॉर्म भरवाना चाहते हो तो आपको क्या क्या डिटेल्स आपको कैंडिडेट का सेंड करना होगा वो डिटेल्स भी देखते हैं बेटे, क्लियर। बेटे वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड हमारा टॉपिक है सैनिक स्कूल फॉर्म कब से शुरू होंगे, क्लियर, उसके बारे में देखेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैनिक स्कूल की वेबसाइट जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपका सैनिक स्कूल सोसाइटी कंडक्ट करवाता है। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी जो आपका वेबसाइट है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो सैनिक स्कूल सोसाइटी। एंड वेबसाइट पे सैनिक स्कूल ने अपडेट डाल दिया है। वो क्या अपडेट डाला बेटे, सैनिक स्कूल ने अपडेट डाला है रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021-22 जो सेशन है उसके लिए विल बी अवेलेबल सून, जल्द से जल्द उपलब्ध होगा, क्लियर। जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फोर सेशन 2021-22 के लिए उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्द से जल्द आपका विल बी अवेलेबल सून, जल्द से जल्द सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा, क्लियर। मींस जो आपका कैंडिडेट लॉगिन होता है वो भी क्लोज है, कैंडिडेट लॉगिन वहां पे ओपन हो जाएगा, मीन्स आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जो सैनिक स्कूल ने अपडेट डाला है सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पे तो उसका मीन्स है कि मतलब जल्द से जल्द आपका सैनिक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके लिए आपको जो फॉर्म फिलअप करना होता है वो रजिस्ट्रेशन ओपन जल्द से जल्द उपलब्ध होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते बेटे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। बेटे इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल दे रखा है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा सैनिक स्कूल फॉर्म फिलअप करने के लिए। जो कैंडिडेट जो भी सैनिक स्कूल फॉर्म फिलअप होगा जो भी कैंडिडेट सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म फिलअप करेगा उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसका वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लियर। तो इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कैंडिडेट बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी। जो भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो सभी को आप क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी। जो कैंडिडेट जो फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है उसका बर्थ सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी कंपल्सरी है बेटे, वो स्कैन होकर लगेगा। एंड इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बेटे, जिस भी स्कूल में आप स्टडी कर रहे हो उस स्कूल के बोनाफाइड उस स्कूल के लेटर आपको बोनाफाइड बनवाना है, मींस उस स्कूल की जो लेटर हेड है उस पर आपको राइट करवाना है कि कैंडिडेट नेम ये एंड इस क्लास का स्टूडेंट है एंड स्कॉलर रिकॉर्ड के अनुसार उसका डेट ऑफ बर्थ है एंड उसको अटेस्टेड करवाना है स्कूल से, तो वो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट काम करेगा। या फिर जो डिफेंस पर्सन है आर्मी पर्सन है वो आर्मी से एक सर्टिफिकेट होता है वो आर्मी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो जिसके ऊपर सीओ वगैरह के सिग्नेचर कंपलसरी है, वो भी आपका एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगा। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्कूल से, क्योंकि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेगा स्कूल में स्टडी कर रहा होगा तो स्कूल के लेटर हेड पे आप लिखवा के दे सकते हो कि उसका स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उसका डेट ऑफ बर्थ है, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड है आपका कैंडिडेट डोमिसाइल कॉपी। डोमिसाइल का मीन्स होता है मूल निवास, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका एक डोमिसाइल बनता है। डोमिसाइल जिस भी कैंडिडेट का नहीं बना है वो आपके नियर बाय जो भी ईमित्र शॉप है वहां पे आप जाके डोमिसाइल बनवा सकते हो, 10-12 डेज में आपका ऑनलाइन डोमिसाइल बन जाता है। एंड आप जो भी आपके पास ईमित्र की शॉप है नियर बाई वहां पे जाके आप एक बार उनको बताइए कि मेरे को डोमिसाइल चाहिए, जो भी उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो उसको उपलब्ध करवाइए, आपका 10 डेज के अंदर आपका डोमिसाइल बनके आ जाएगा। एंड अगर डोमिसाइल आपका फिर भी नहीं बन पाता है तो आपके पास जो डोमिसाइल आपने बनवाया उसका स्लिप होगा तो वो भी आपका आप जो सेंस का फॉर्म फिलअप करें तो उस टाइम वो स्लिप भी आप वहां पे यूज कर सकते हो, बट जब आपका एडमिशन होगा तो आपको डोमिसाइल कंपल्सरी है बेटे, क्लियर। जो कैंडिडेट एंड कई पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर छोटे बच्चों का डोमिसाइल नहीं बनता है, ऐसा नहीं है छोटे बच्चों का डोमिसाइल बनता है, क्लियर। तो जो डोमिसाइल बनता है वो आपको नियर बाय इमित्र की शॉप पे जाके वहां पे कॉन्टेक्ट करना है, आपका डोमिसाइल बन जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटे एंड डोमिसाइल बर्थ सर्टिफिकेट डोमिसाइल किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल डिफेंस किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो सभी को बर्थ सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल दोनों डॉक्यूमेंट्स तो मस्ट है बेटे, कंपल्सरी है दोनों डोमिसाइल सॉरी जो दोनों सर्टिफिकेट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट फोटोकॉपी एंड डोमिसाइल फोटोकॉपी, ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मस्ट है बेटे। नेक्स्ट देखो कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटोज, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेगा उसका पासपोर्ट साइज फोटोज, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपका फोटो स्कैन होगा। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका कैंडिडेट सिग्नेचर, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेगा उसका सिग्नेचर भी स्कैन होगा।
एंड बेटा मैं आपको बता दूं, जो स्टार्ट के जो फोर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट सभी कैटेगरी जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेगा, किसी भी कैटेगरी का हो, एससी एसटी डिफेंस जनरल ओबीसी, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, सभी को चारों डॉक्यूमेंट्स मस्ट है बेटे, एंड चारों डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी है। इसके अगर चारों डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, क्लियर है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, नेक्स्ट आपका जो नंबर 5 डॉक्यूमेंट है वो क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर एससी एंड जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हीं के लिए रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज जो भी अदर कैटेगरी के डिफेंस जनरल ओबीसी उनको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्लियर। तो जो एससी एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट है उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है बेटे। एंड बात करते हैं सैनिक स्कूल का, जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपको 4 ही कैटेगरी होगा ओनली, एक तो आपका जनरल कैटेगरी होगा, एक आपका डिफेंस होगा, एंड एक आपका एससी होगा, एंड एक एसटी होगा। बात करते हैं सैनिक स्कूल फॉर्म जब फिलअप करोगे तो आपको ओनली 4 ही कैटेगरी आएगा, एक तो जनरल, डिफेंस, एससी, एसटी। एससी एसटी कैटेगरी वाला एसटी चूज करेगा, एसटी वाला एसटी पे क्लिक करेगा, एंड डिफेंस वाला डिफेंस पे क्लिक करेगा, एंड बाकी जो भी कैटेगरी अदर उनके अलावा जो भी कैटेगरी सभी जनरल में आएगा बेटे। जो जो सैनिक स्कूल फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें आपका 4 ही कैटेगरी होता है, एंड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओनली एससी एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को चाहिए, बाकी ऊपर के जो 4 डॉक्यूमेंट रखे वो सभी के लिए कंपलसरी है, किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, क्लियर। तो आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका कंपलसरी है बर्थ सर्टिफिकेट, सेकंड आपका डोमिसाइल, थर्ड है पासपोर्ट साइज फोटोज, एंड फोर्थ आपका सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर। एंड जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं, वो ओनली एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट है कैंडिडेट डिटेल्स। अगर जो भी कैंडिडेट हमारे से फॉर्म फिलअप करवाना चाहता है तो उसको क्या क्या डिटेल्स हमें सेंड करना है, जो भी कैंडिडेट अगर हमारे से फॉर्म फिलअप करवाना चाहता है तो उसको क्या क्या डिटेल सेंड करनी होगी हमें। फर्स्ट तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया वो डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है, या तो आप उसको पीडीएफ में सेंड कर सकते हो या फिर स्कैन करवा के आप सेंड कर सकते हो। आपका दो ऑप्शन है सेंड करने के, फर्स्ट तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट करवा के सेंड कर सकते हो, सेकंड आप उसको स्कैन करवा के सेंड कर सकते हो। अगर आप फोटो खींच के सेंड करोगे तो उसका उसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, क्लियर। एंड यहाँ पे इसके अलावा क्या क्या डिटेल्स है, नेम ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट का नेम का स्पेलिंग है आपको अच्छे से चेक करके, एंड जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आपका कैंडिडेट का नेम है वो आपको सेंड करना है। एंड सेकंड आपको क्या, डेट ऑफ बर्थ, जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेंड करना है। एंड थर्ड है फादर्स नेम, फादर्स नेम जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में, एंड बेटे जो वन टाइम आपने जो भेज दिया ना या फिर जो वन टाइम आपने फॉर्म फिलअप कर दिया उसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हो, क्लियर। तो जो डिटेल्स आपको एकदम करेक्ट चेक करके फिर सेंड करना है। एंड नंबर 4 आपका मदर्स नेम, मदर्स नेम ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट की मदर से उसका नेम, नेम का बेटे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग, जो स्पेलिंग है नेम का वो आपको अच्छे से चेक करना है, उसमें मिस्टेक नहीं करना है, क्लियर। एंड सभी जो आप डिटेल सेंड करोगे सभी आपको कैपिटल लेटर्स में राइट करके सेंड करना है। एंड फिफ्थ की बात करते हैं कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो आपको सेंड करना है। एंड 6 नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट को एक फिक्स कॉन्टेक्ट नंबर देना है जिसके ऊपर आपका मीन्स ओटीपी भी आएगा, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके ऊपर आपका ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी बताना है, तो आपको एक फिक्स मोबाइल नंबर देना है कैंडिडेट का, क्लियर। एंड नंबर 7 है एड्रेस ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का आपको एक जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सेंड करना है, क्लियर बेटे। जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको सेंड करना है, जैसे सैनिक स्कूल का जो भी आपका वहां से कुछ भी मान लो बाय पोस्ट कुछ भी वो सेंड करेगा, आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आपका आएगा वो आपको इसी एड्रेस पे मिलेगा। तो आपको अगर जो भी कैंडिडेट हमारे फॉर्म फिलअप करना चाहता है ये जो आपको डिटेल्स है कैंडिडेट की ये आपको डिटेल सेंड करनी है। एंड जो भी आप डिटेल सेंड करोगे एक व्हाइट पेज में राइट करना है, एंड मैंने आपको बेटे पहले बता दिया जो भी आप डिटेल सेंड करो कैपिटल लेटर्स में राइट करके सेंड करना है। एंड स्पेलिंग आपको अच्छे से चेक कर लेना है बेटे, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। एंड देखो बेटे मेथड क्या है, आप किस टाइप से सेंड करोगे हमें, फर्स्ट है फर्स्ट मेथड आपके पास है ऑन व्हाट्सएप, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो डिटेल्स, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9636961534। जो भी कैंडिडेट डिटेल्स हमें सेंड करना चाहता है, हमारे से फॉर्म फिलअप करना चाहता है, तो उसको क्या करना है, या तो ये डिटेल्स हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, तो व्हाट्सएप नंबर आपका 9636961534, या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास है बाय ईमेल, आप हमें मेल कर सकते हो lakshyaacademymail@gmail.com, इसमें मेल कर सकते हो, एंड सब्जेक्ट में आपको कैंडिडेट का नेम एंड क्लास राइट करना है। आप चाहो तो हमें मेल कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड जो डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करो वो आपको किसमें करना है, ध्यान रखना बेटे पीडीएफ या फिर स्कैन करके सेंड करना है, फोटो खींच के सेंड करोगे वो बेटे उसमें क्लियरिटी नहीं आएगी एंड आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हमारे फॉर्म फिलअप करना चाहता है वो डिटेल्स आप सेंड कर देना, एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है। ओके बेटे, थैंक यू।